वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम शशांक याग्निक है। वीडियो शुरू हो उससे पहले आप सबसे माफ़ी की, ये सेगमेंट इतने दिनों के ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुरू हुआ है। कुछ वजहों से ये सेगमेंट नहीं आ पा रहा था, लेकिन एक बार फिर से आप सबके साथ मैं जुड़ गया हूँ और एक एक करके आपको हर रोज़ बड़ी बड़ी खबरें खेल चक्कर से जो भी कुछ आई होती हैं वो सारी बताऊंगा। तो आज भी कुछ बड़ी बड़ी खबरें ली हैं मैंने, टॉप 5 न्यूज़ जो हैं वो मेरे पास में हैं और एक एक करके आपको सारी खबरें बताना शुरू करता हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो सब इस वीडियो में कवर होने वाली हैं और खेल जगत की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देख लेंगे। ज़्यादा लंबा ये वीडियो होगा नहीं। जल्दी से शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर के साथ में। अब क्रिकेट से शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर बढ़ेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज का जो मुकाबला होने वाला है, इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़। चौथा T20 मैच खेला जाएगा और आज टीम इंडिया इस सीरीज़ पर कब्जा करने के लिए उतरेगी। अगर आप फिलहाल स्थिति देखें तो टीम इंडिया इस सीरीज़ में 2-1 से आगे है, और अगर इस मैच को टीम इंडिया जीत लेती है तो फिर इस सीरीज़ पर टीम इंडिया का कब्जा हो जाएगा। और 5 मैच की ये सीरीज़ है और चौथा मुकाबला आज खेला जाना है। तो सब कुछ तैयारी हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें बढ़िया जाएंगी और टीम इंडिया इस सीरीज़ में जीत हासिल करेगी। इसके बाद में बात करते हैं अगली खबर की। तो फिर कॉमनवेल्थ गेम्स की जो मेडल्स टैली है, ज़रा उस पर नज़र डाल लेते हैं। अब भारत के खाते में कितने मेडल्स हो गए हैं अब तक, जो कल मुकाबले हुए उसके बाद में 25 मेडल्स भारत के खाते में कुल आ चुके हैं, जिसमें 9 गोल्ड मेडल हैं, 8 सिल्वर मेडल है और 8 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो भारत की यहाँ पर एक लय अच्छी चलती जा रही है। और कल के दिन की बात करें तो कल का दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ था, बहुत अच्छा रहा था कल का दिन। इनफैक्ट अगर कहा जाए तो अगर मैं आपको मेडल विनर्स के नाम बता दूं कल के दिन में, तो फिर बजरंग पुनिया, कुश्ती की बात कर रहे हैं खासतौर पर, बजरंग पुनिया गोल्ड मेडल उनको मिला, साक्षी मलिक को गोल्ड मेडल मिला, उसके बाद में दीपक पुनिया को भी गोल्ड मेडल मिला और एक जो सिल्वर मेडल मिला वो मिला अंशु मलिक को। तो इस तरीके से रहा और बाउट्स जो रही ज़बरदस्त एकदम रही, और उम्मीद अब कर रहे हैं कि जो आने वाले मुकाबले रहेंगे इसमें भारतीय टीम जो है, भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की, और क्रिकेटिंग फील्ड से ही ये खबर है और उम्मीद ये इस बात की है कि आपने इस वीडियो को ओपन इस खबर की वजह से ही किया होगा। अब रोहित शर्मा को इंजरी हुई थी बैक में, बैक स्पैज़म उनको हुआ था तीसरे T20 में और वो बल्लेबाजी भी पूरी नहीं कर पाए थे। अब रोहित शर्मा की इंजरी को लेकर के एक बड़ा अपडेट आया है और इस मैच में रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, यानी कि चौथे T20 मैच में रोहित शर्मा टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, इस पर एक बड़ी खबर है। और खबर ये है कि रोहित शर्मा इस मैच में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। उनकी जो इंजरी है वो पूरी तरह से उससे रिकवर हो चुके हैं और इस मैच में आपको रोहित शर्मा दिखाई देंगे। उम्मीद ये लगाई जा रही थी, रोहित शर्मा ने भी मैच के बाद कहा था कि उनकी इंजरी किस तरह की है, कितना उसे समय लगता है ठीक होने में, उस पर डिपेंड करेगा कि वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। लेकिन टीम के कोच की तरफ से जो बयान आया है, राहुल द्रविड़ ने जो बोला है, उन्होंने बोला है कि रोहित शर्मा पूरी तरह से फिट हो गए हैं और इस मैच में खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो पिछला मुकाबला वो खेले थे जिसमें रिटायर्ड हट होकर के वो बाहर चले गए, तो उस मैच में भी अच्छी लय में दिख रहे थे। 5 गेंदें कुल उन्होंने खेली थी जिसमें उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 1 चौका 1 छक्का लगाया था, और उसमें उनका इंटेंट दिख गया था और 11 रन कुल उन्होंने बनाए थे, नॉट आउट रहे थे। लेकिन अब वो जो पिछले मैच की लय थी इस मैच में वो हासिल करना चाहेंगे। इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। तो फिर आज किन खिलाड़ियों पर हम सबकी नज़रें रहेंगी वो बता देता हूँ आपको। जो पीवी सिंधु, पहले सबसे पहले तो श्रीकांत और लक्ष्य सेन, ये जो खिलाड़ी हैं ये क्वार्टर फाइनल में जगह अपनी बना चुके हैं और इन सब से उम्मीदें हमको रहेगी अच्छे प्रदर्शन की। इसके साथ ही शरद कमल जो मिक्स डबल्स की उनकी जोड़ी है, उसके साथ में सेमीफाइनल मुकाबले में भी पहुंच चुके हैं टेबल टेनिस के। तो इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं और भारत की एक अच्छी लय कॉमनवेल्थ गेम्स में देखने के लिए मिली है और कंटिन्यू करेंगे भारतीय खिलाड़ी। उम्मीद इस बात की हम सबको है और आप भी इस बात की प्रे कीजिएगा और विशेष दीजिएगा। खैर फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है, बाकी हर रोज़ आप सबके सामने ये वीडियो आया करेगा, तो जल्दी से इसको अभी लाइक कर दीजिए, कमेंट करके आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है, मिलता हूँ आपसे कल कुछ और बड़ी बड़ी खबरों के साथ में।